सबसे पहले मेरे गुरु पाद मुक्तजला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं मुक्तजला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलानायन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसे श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा शतकोटि नमन प्रणाम। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। की कुछ कथा हम श्रवण कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 साल तक रहे, 48 ईयर्स। 24 साल उनकी गृहस्थ लीला बताया गया और 24 साल उनकी सन्यास लीला त्याग जीवन बताया गया। नाश कैसे आदर्श गृहस्थ होकर के संसार में रह करके भजन साधन करना है उन्होंने ये दर्शन कराया। और दूसरी एक त्यागी जीवन यानी सन्यास जीवन कैसे व्यतीत करना है पालन करना है यह भी उन्होंने जगत जीवों की भी सिखाया। अपनी आचरी जीवरी सिखान अपनी ना कोई धर्म सिखान ना जाए। स्वयं महाप्रभु ने जीवन में आचरण करके जगत जीवों की शिक्षा दी। महापुरुष की जीवन चरित कथा अतीव मधुर भी है, सुंदर है। भगवान कृष्णचंद्र द्वापर युग में 125 साल तक रहे। उन्होंने भी वृंदावन की अनेक सुंदर लीला आदि करने लगे। इसके पश्चात वृंदावन लीला के पश्चात मथुरा लीला, मथुरा के पश्चात द्वारका लीला, द्वारका लीला आदि के पश्चात अपने लीला को समाप्त करके नित्य गुरु वृंदावन धाम में पधारे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जगत जीवों के कल्याण के लिए युग धर्म नाम प्रेम प्रचार आदि के द्वारा सब जीवों की प्रेम समुद्र में डुबाया यानी नाम प्रेम कैला प्रचार। वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति के कैसे आचरण करना है यह भी रूप रघुनाथ सनातन आदि गोस्वामी पादों के द्वारा जगत में स्थापित किया।
विधि मार्ग रतजनी स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गी करान प्रवेश। विधि मार्ग यानी अर्चन मार्ग के धीरे धीरे पालन करते हुए कैसे धीरे धीरे राग मार्ग में प्रवेश करें, ये भी उन्होंने दर्शन कराए दिखाए। विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा वैष्णव सदाचार ग्रंथ आदि प्रकाश कराया और रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के द्वारा राग मार्ग यानी ब्रज भक्ति व ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम, ये समस्त भी उन्होंने प्रकाश किया। संग चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ लीला के उपरांत उन्होंने सन्यास आदि लेकर के मातृवाक का पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी में भी रहे और जगन्नाथपुरी में रह करके अपने अंतरंग भक्तों के साथ प्रेम रस आसादन किया। बहिरंग लिया लिया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लिया करे प्रेम आस्वादन, ऐसे वैष्णव के अभिमत है। अंतरंग जन यानी सर्वदामोदर रायरंद आदि महान ऋषिक वैष्णव के साथ रह करके उन्होंने प्रेम रस आस्वादन किया। विशेषकर सर्व गंभीरा में स्वरूप दामोदर आय रायरंद के साथ महाप्रभु अनेकों जो है सुंदर लीला आदि को स्मरण करते थे या स्मरण कराते थे। कभी महाप्रभु विरह आदि दशा में ऐसे भावों के प्रकाश करते थे जिसके वर्णन करना शब्द के द्वारा संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी की विरह यानी दिव्य उन्माद दशा की कथा तो सामान्य रूप में वर्णन किया, जिसको कहा जाता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में श्रीमती राधा जी की दिव्य उन्माद दशा आदि वर्णन किया। एक भ्रमर को देख करके स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के दूत समझ करके उनके प्रति अनेकों जो है प्रलाप वाक्य आदि करने लगे। और उस भ्रमर के प्रति कभी तिरस्कार करते थे, कभी अत्यंत सुंदर सुमिष्ट सौलंठन वचन आदि के द्वारा उनकी प्रशंसा भी आदि करते थे। ये समस्त कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान में वर्णन भी किया। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के गंभीरा में रहने लगे। कभी स्वरूप दामोदर कभी रायानंद के साथ ये समस्त जय रसमाद जो कथा श्रवण कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके महाप्रभु के जो 24 साल जो सन्यास लीला
के बारे में बताया गया, अर्थात उनके त्याग जीवन, सन्यास जीवन। उस 24 साल में चैतन्य महाप्रभु 6 साल जो है गमनागमन करने लगे, गमनागमन आना जाना करने लगे, कभी वृंदावन, कभी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत भ्रमण आदि, ये सब दिखाई दिया। और बाकी 18 साल चैतन्य महाप्रभु विरह दशा में जगन्नाथपुरी में रहने लगे, और वह 18 साल में भी अंतिम जो 12 साल जो है महाप्रभु गंभीरा में रह करके राधा जी की उस समस्त दिव्य उन्माद दशा आदि श्रवण कीर्तन आदि करते थे और अपने भावों की भी व्यक्त करते थे, अपना के राधा भावे रहे अनुक्षण। उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने के राधा ही समझ कर ये मेरे प्राणकांत कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा अथवा द्वारका चलेंगे। उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु ही डूबे रहते थे, विशेष करके अंतिम जो 12 साल उस समय महाप्रभु इतने भाव गंभीर में रहते थे, और उस समय राधा जी की वह समस्त दिव्य उन्माद दशा वह समस्त महाप्रभु ही संक्रामित होते, प्रकटित होते थे। उस समय महाप्रभु के इतने विरह उत्कंठा आदि जग जाता था। और समस्त प्रकार के अशाशाक्तिक भाव उत्पन्न हो जाते, रोमांचक, कंपासरु, वैवर्ण आदि, ये अशाशाक्तिक विकार का है। इसके बाद संदर्भ में भी हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं, पांच प्रकार के स्टेज होता है, धुमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त दशा का है। धुमायित उसे कहा जाता है, दो एक सात्विक भाव उसमें उत्पन्न हो उसके कहा जाता है धुमायित कहा जाता है। धुमायित शब्द का अर्थ क्या है, जैसे धुआं जैसे उठते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित जलने के पहले धुआं उठ दिखाई पड़ता है, उसके धुमायित करते, धुमायित करते। जैसे लकड़ी में आग लगाने पर पहले क्या होता है, धुआं, ठीक उसी प्रकार किसके हृदय में एक अथवा दो सात्विक भाव उदित हो उसके कहा जाता है धुमायित कहा जाता है। जलित, जलित उसे कहते हैं दो से तीन तक जो समस्त सात्विक भाव उत्पन्न होता है उसी कहा जाता है जलित का धुमायित जलित। दीप्त चार से पांच तक सात्विक भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं दीप्त, चार से पांच तक धुमायित जलित दीप्त, उद्दीप्त पांच से छह तक, सात तक भी हो जाते हैं, किंतु एक ही साथ में आठवां जो है अष्टशाति विकार उत्पन्न होना उसकी कहा जाता है
सुदीप्त महाभाव। ये सुदीप्त महाभाव जो है संपूर्ण रूप से श्रीमती राधा में ही प्रकाशित होते हैं और वह समस्त भाव महाप्रभु में भी संक्रामित दिखाई दे। जब महाप्रभु गंभीरा में रहते दिव्य उन्माद दशा में चैतन्य महाप्रभु एक एक श्लोक के पढ़ते थे, कभी रोते थे, कभी दीवार पर अपने मुख के जो है घिसते थे, उनके मुंह से खून निकाल जाता। सर्व दामोदर राय रवानंद उस समय महाप्रभु के पास रहते थे। स्वरूपेर गाना रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे पराण। चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार दिव्य उन्माद दशा में तड़पते थे तब उस समय स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास आदि की अनेक सुंदर सुंदर पदावली श्रवण कराते थे। राय रवानंद श्रीमद भागवत के श्लोक अथवा अपने सरचित ग्रंथ है जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटक, उस ग्रंथ के एक एक श्लोक जब पाठ करते थे महापुर के विरह और भी बढ़ जाता था। और उस समय महापुर के सारे ये क्या बोलते हैं लोम को है ना क्या बोले रोमावली इसको कहा जाता है, रोमावली समझते हैं शरीर में जो शरीर के जो क्या बोलते हैं ये क्या हो जाता है खड़े हो जाते, खड़े हो जाना किस समय वो क्या हो जाते बिल्कुल लाल लाल हो जाते थे नीचे सिमुल कांटे जनो हो जाते। सिमुल वृक्ष देखा जिसे रुई बनती है, जिस फल से रुई बनती है, रुई होती है। और उस सिमुल पेड़ के कांटे होते हैं, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के ये रोंगटे जो है लोगों को क्या हो जाते सिमुल पेड़ के कांटे के वहाँ हो जाते इतने बड़ा बड़ा हो जाते, ये बिल्कुल खड़े हो जाते और चाहे तब लाल लाल अभाव हो जाते मानो खून की धार पड़ने वाले सारे शरीर। राधा जी के बारे में तो इतने वर्णन नहीं किया गया। राधा जी विरह में जब तड़पती थी उनके शरीर में तो ताप हो जाता, उत्ताप होता था। काल मैंने कहा ना प्रेम में ऐसी दशा हो जाती कभी शरीर में इतने ताप हो जाता है उसकी क्या वर्णन करें। कभी कभी शरीर बिल्कुल शीतल हो जाते, ठंडी हो जाते है। राधा जी के शरीर में जब ऐसे विरह रूपी ताप आकर के जब शरीर को ऐसे जर्जरित कर लो उस समय सखियां जो है सुंदर सुंदर कमल की जो पुष्प उसके पंखुड़ियों के द्वारा बिस्तर बना देते और राधा जी के लेटा देते। राधा जी के शरीर में जो ताप है उस ताप से सारे कमल की पंखुड़ियां सूख जाती हैं और चूर चूर गिर जाती है। देखो ये समस्त वर्णन है जी राधा जी की विरह दशा में कैसे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की विरह दशा
भी वर्णन किया गया। जिसे कहते हैं राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिन। उद्धव वृंदावन में पधारे, समस्त ब्रजवासियों से मिले और अंत में राधा आदि गोपियों से भी मिले। और उस समय उद्धव राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य को दर्शन किया। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं, कोई एक सूच विशाल पर्वत की तलहटी में खड़े होकर के और ऊपर की जो क्या बोलते हैं पीक जो है सिंह, सिंह कहा जाता है पर्वत की सर्वोच्च जो स्थान जो है उसके सिंह का, यदि उसको ऐसे देखने के लिए जाए उनके सिर जैसे नीचे हो जाए झुक जाते, और यदि उसके सिर पर टोपी रहे वो टोपी क्या हो जाए नीचे गिर जाए। ठीक उसी प्रकार उद्धव राज की ऐसी दिव्य उन्माद दशा में विशेष करके उनके भाव माधुर्य के दर्शन करके तो उद्धव हैरान हो गए, क्योंकि उद्धव शास्त्रज्ञ थे, सर्वशास्त्रविद भी थे, बृहस्पति के साथ साथ साक्षात शिष्य कहा जाता है, वृषणांग प्रवर मंत्री कृष्ण शाखा सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्य। उद्धव के बारे में तो ऐसे कहा गया वृषणांग प्रवर मंत्री, वृष्णि वंश यानी जुद्वंश की श्रेष्ठ माना जाता है, जादुओं के श्रेष्ठ माना जाता है, विष्णन प्रवर श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, गण्यमान्य कहते हैं विष्णन प्रवर मंत्री कृष्ण के भी सलाहदार माने, विष्णन प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण के भी अत्यंत प्रिय अंतरंग सखा भी मानते हैं। शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव स्वर्गों में देवताओं के जो गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति से ही उन्होंने सारे शिक्षा ज्ञान विद्या आदि अध्ययन किया प्राप्त किया, इसलिए बृहस्पति के शिष्य मानते उद्धव विष्णु प्रभु मंत्री कृष्ण स दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि रत्तमान। उद्धव की बुद्धि कैसे धीर स्थिर चिंतन करने वाले हैं, जो ज्यादा बात करते हैं वो चिंतन करते नहीं है, जो कम बात करते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं चिंतन करते हैं। आशा संसार में देखा जाता है जैसे जैसे साइंटिस्ट आदि वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है ये लोग अधिक बात नहीं करते हैं, धीरे स्थिर होकर चिंतन करते रहते हैं। चलो मेरे कहने की तात्पर्य जो उद्धव की बुद्धि ही सत्तमा सात्विक भाव का धीर स्थिर से वो सारे विचारों की जो है लेकर के उसके अंत में कंक्लूजन देते थे। स्वयं भगवान कृष्ण भी उद्धव से क्या लेते थे सलाह लेते, जैसे उदाहरण देते हैं एक ही समय दो पत्र आ गया इनविटेशन लेटर आ गया, एक है युधिष्ठिर महाराज के पक्ष से एक पत्र आ गया भगवान कृष्ण के पास, पत्र में ये लिखा गया ये हे प्रभु
मैं ये राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसमें योगदान दीजिए, और आपके बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। आपकी सानिध्य में, आपकी अनुगत्य में मेरी सारी कार्य है, इसलिए आप कृपया पधार। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने ये पत्र लिखा, और साथ ही साथ और एक पत्र आया, जरासंध के द्वारा जो राजाओं की बंदी करके रखा था, वो समस्त राजाओं के पक्ष से भी एक पत्र आया। जरासंध ऐसे दुष्ट था, उन्होंने अनेकों राजाओं के जो है पराजित करके बंदी बनाया, और बंदी बना करके भी उनको बलिदान करने के लिए भी संकल्प किया। जब 108 ना 100 राजा हो जाए तब उनको बलि चढ़ाएंगे। हो गया कितने 99 जो है राजा को उस समय बंदी बनाया था, एक रहा गया। उस समय वो लोग ने भी समस्त राजाओं ने एक साथ में मिल करके कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा, हे यदुपति, हे कृष्ण, आप हमें इस बंदी से मुक्त कराइए। तो कृष्ण एक ही साथ में दो पत्र प्राप्त करके विचार करने लगे, कहाँ जाना उचित है, कहाँ जाना उचित नहीं है, अनुचित। स्वयं कृष्ण निर्णय नहीं पा रहे हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति स्वयं भगवान लीला आदि कर रहे हैं। स्वयं भगवान स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। मायाध्यक्ष न प्रति श्रोति सचराचरम हेतु अनन्य कुंते जगत भी परिवर्तते। स्वयं भगवान कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, माया जो कुछ भी कर रही है मेरे अध्यक्षता से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस सारी शुभ काम चाहिए। नहीं साक्षात रूप में कहाँ, परोक्ष रूप में स्वयं भगवान सब कुछ कराते हैं। इसलिए कहते हैं उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं सकता, और स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष भी है, जैसे कि अपेक्षा उपेक्षा नहीं करते, ना अपेक्षा करते हैं ना उपेक्षा करते हैं, स्वतंत्र शिक्षामय जिनकी भ्रुभंगी से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है, सृष्टि स्थिति साधन शक्ति जीविका, और वही स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के यही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एक ही साथ में मुझे दो पत्र मिले, निमंत्रण दे पत्र जिसे पाए, एक युधिष्ठिर महाराज और दूसरी वह समस्त राजा लोग जरासंध के द्वारा प्रपीड़ित होकर के जो पत्र लिखा। स्वयं भगवान उद्धव के पूछने लगे, उद्धव तुम बताओ मुझे पहले कहाँ जाना उचित है, लेना तो कृष्ण की डिसीजन लेना तो कृष्ण की पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना है पहले कहाँ जाना। दूसरी है उसी के निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं जो मेरा अत्यंत निकटतम हो, उसके क्या दिया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, आज यही तो नीति कहते हैं।
क्योंकि युधिष्ठिर आदि पांडव लोग कृष्ण के अत्यंत प्रिय भी है और अपने संबंध भी है, कुंती के पुत्र तो ये पांडव लोग है। और कुंती के साथ कृष्ण के भी संबंध भी है, तो इसलिए। और ये राजा लोग राजाओं जो पत्र लिखा उनके साथ क्या संबंध है, कुछ नहीं है। तो कहाँ जाना उचित है भाई? स्वयं उद्धव के प्रश्न पूछने लगे, उद्धव तुम बताओ मुझे कहाँ जाना उचित है। उद्धव कहने लगे, प्रभु आप तो स्वतंत्र सक्षम पुरुष हैं, आप स्वयं ही निर्णय ले चुके हैं, तथापि लोक शिक्षा के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं, क्यों? भगवान स्वतंत्र सक्षम पुरुष है, तथापि लोक शिक्षा के लिए करे। उद्धव तुम बताओ मुझे कहाँ जाना है। उसमें उद्धव ने इतने सुंदर युक्ति दिखाया, कहने लगे प्रभु युधिष्ठिर महाराज जो आपको पत्र भेजा, निमंत्रण पत्र भेजा, उसमें वो यज्ञ आदि करना चाहते हैं। क्या यज्ञ? राजसूय यज्ञ आदि करना चाहते हैं। वो तो कभी भी हो सकता है, किंतु जो राजा लोग बंदी में बंदीशाला में पड़े उसको मुक्त कराना आपके प्रथम कर्तव्य है। भले आपके साथ उनके कोई संबंध हो अथवा नहीं हो, वे लोग दिवारात्र आपके स्मरण भी करते हैं, आपके चिंतन करते हैं, और ये लोग बहुत दुखी थे, इन लोग के आप कारागार से मुक्त कराइए। और इन लोग के कारागार से मुक्त कराने पर अर्थात जरासंध भी वध करें तो ये लोग अर्थात ये राजा लोग आपके लिए आभारी रहेंगे, आभारी जानते हैं चिरकाल के लिए आभारी रहेंगे। और जब आप युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में जाएंगे, यही राजा लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, इससे बहुत सुंदर आपके शोभावर्धन होगा। अच्छा आप अकेले जाए और अनेकों राजाओं के साथ जाए, उसके आपके जगत में प्रभाव ख्याति विस्तार हो। कोई अकेला जाता है रास्ता में, अकेला कोई जा रहे उसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जो और कोई व्यक्ति अनेक लोगों के साथ जब चलते हैं तब लोगों के दृष्टि कहाँ पर पड़ते हैं, उनके ऊपर पड़ते हैं, और सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। ये उद्धव कार्य ये प्रभु वह राजाओं के जो कारागार से मुक्त करा करके और उनके ही लेकर के आप राजस्व यज्ञ में चले। तो भगवान इस कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, है कोई अकेला जाए तो उसके कोई महत्व नहीं रहता है, अनेक लोगों के साथ जब चलते हैं उसके महत्व बढ़ जाता है। यही तो अधिकार है। तभी स्वयं भगवान कृष्ण जिनके पास सुदर्शन चक्र है, स्मरण करने के साथ ही साथ सुदर्शन चक्र आकर के सब ढंग से विध्वंस कर देते, तथापि लोगों को शिक्षा के लिए भी दिखा रहे। मेरे कहने की तात्पर्य जो है, उद्धव भगवान के कितना प्रिय है, जैसे स्वयं भगवान उद्धव से भी सलाह लेते, इसलिए विष्णु प्रभुरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा है।
शिष्य बृहस्पति साक्षात, पर उद्धव भी कोई सामान्य नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की शिष्य भी नहीं, उनसे सारे शास्त्र अध्ययन किया। बृहस्पति तो सारे शास्त्र जो है उद्धव के पढ़ाया, किंतु एक शास्त्र उनके नहीं पढ़ाया, वो था प्रेम शास्त्र। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था कि उद्धव जब ब्रज में पधारे, ऐसे महान विज्ञ विद्वान उद्धव समस्त ज्ञान के भंडार लेकर के मानो ब्रज में पधारे, वृंदावन में पधारे। और वही उद्धव राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य देख करके आश्चर्य हो गए, न भूत न भविष्य। इसलिए उद्धव के मुंह से एक शब्द निकल करके आ गया, अहो शब्द कर। अहो शब्द प्रयोग होता है एक विस्मय होने पर। क्या बोले? आश्चर्य जब हो जाएगी, ऐसे हो सकता है। और दूसरी अहो शब्द होता है प्रेम महात्मा सूचक होकर के, जहाँ पर अत्यंत गाढ़ो हृदय भाव को जो व्यक्त करते हैं, उसी समय अहो शब्द को कहा जाता है। क्योंकि संस्कृत में ये अहो शब्द जो है अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, साधारण नहीं है। इसलिए उद्धव राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य दर्शन करके आश्चर्य हो गए। उन्होंने तो इतना ही कहा, ये द्वारिकापुरी में महिषियों में की ये संभव नहीं है। नित्य संजोगिनी जो महिषियाँ जो कृष्ण के साथ रहने वाले, उनके हृदय में ये प्रेम नहीं। और ये प्रेम तो गोपियों के हृदय में जो प्रेम है क्या वर्णन करें, जहाँ पर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव अनुभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोह और मदनाक महाभाव की सर्वोत्तमता जो है दिखा दे। इसलिए उद्धव ने कहा महिषांग वो भी सुदुर्लभम, द्वारिकापुरी में महिषियों के लिए भी कदापि संभव नहीं, असंभव। यहाँ पर आपको भी प्रश्न उठ सकता है, ये जब उद्धव जब ब्रज में आए थे तब उस समय तो कृष्ण के साथ महिषियों के साथ विवाह नहीं हुई, विवाह हुई थी नहीं, तो उद्धव ऐसे शब्द कैसे कह दिया महिषाना वो भी सुदुर्लभ, महिषियों के लिए कभी संभव नहीं। तो महिषियों के उल्लेख क्यों किया गया है, उस समय तो कृष्ण के विवाह नहीं हुए, रुक्मिणी सप्तभामा आदि के साथ विवाह नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण ब्रज में करीब 11 साल तक रहे, 10 साल 8 महीने तक ब्रज में रहे, इसके पश्चात कृष्ण वृंदावन में छोड़ करके मथुरा पधारे और मथुरा में कंस आदि को वध किया। इसके पश्चात उग्रसेन के जो है
कारागार से मुक्त कराया। देवकी और वसुदेव की भी कंस कारागार से मुक्त कराया है। इसके पश्चात स्वयं कृष्ण उग्रसेन के भी मथुरा के राजा भी बनाए, स्वयं राजपद राजपद को ग्रहण नहीं किया है। उग्रसेन के जो राजा बनाया, इसके पश्चात देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम के जो है उज्जैनी में भेज दिया है। 64 दिन में 64 विद्या आदि कला अभ्यास करके पधारे मथुरा में। इसके पश्चात कृष्ण दूर से जमुना को दर्शन किया और दर्शन करके वह ब्रज की जो है स्मृतियां उड़ने लगी और ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य से स्मरण आदि करने लगे। दीवार तक कृष्ण रोने लगे और उस समय उद्धव भगवान कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। फिर कृष्ण ने उद्धव की भी अपने हृदय को जो भी प्रकाश किया व्यक्त किया। गच्छोद्धम ब्रजेशम विदुवाभ मत व्योनांग गोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्च, यही तो कहा उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता बंधुजन की तुम सांत्वना प्रदान करो और मेरे प्राण प्रिय तुम्हारे गोपियों की मेरा संदेश प्रदान करो। गच्छुद्धम ब्रजेशम प्रतिपन प्रतिभा भव मत व्योनांग गोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्च। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये जब उद्धव मथुरा से वृंदावन पधारे उस समय कृष्ण के विवाह नहीं हुई। कृष्ण के विवाह कब हुई? द्वारिकापुरी में जाकर जरासंध 18 बार आक्रमण किया, 17 बार जब आक्रमण करने लगे उस समय कृष्ण रातों रात सारी मथुरा नगर की और मथुरावासी को लेकर के द्वारिका जानी समुद्र के बीच में सुंदर महल बना करके वहीं पर आकर ये समस्त बन रहे। फिर इसके पश्चात जब कृष्ण महिषियों के साथ वहीं पर विवाह आदि किया लोक रीति के अनुसार, लोक रीति के अनुसार कृष्ण द्वारिकापुरी में 16,108 महिषियों के साथ विवाह आदि किया। बृहद बामन पुराण में भी लिखा गया किसी कल्पों में बृहद बामन पुराण का है, किसी कल्पों में कृष्ण मथुरा में जो है रुक्मिणी के साथ विवाह आदि की, रुक्मिणी विवाह प्रसंग भी दिखाए, किसी कल्प की कथा है। किंतु भागवत के अनुसार कृष्ण के वैवाहिक जीवन जो है वह द्वारिकापुरी में दिखाया गया। कहने के तात्पर्य प्रश्न हमारे ये उठ रहे हैं, ये कृष्ण जब उद्धव को ब्रज में भेजा गच्छोद्धम ब्रजेश उम उस समय कृष्ण के विवाह नहीं हुए, तो उद्धव कैसे शब्द बोल दिया महिषनांग भी सुदुर्लभम नित्य समझो कृष्ण के साथ रहने वाले वह समस्त महिषियों के हृदय में ये समस्त भाव उत्पन्न नहीं है जो राधा आदि गोपियों के हृदय में जो भाव उत्पन्न है। समझ में आ रहे? समझ में आई कि नहीं? क्या बताए? यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं, ये उद्धव जब ब्रज में पधारे उस समय कृष्ण के विवाह नहीं है, महिषी प्रसंग नहीं है, रुक्मिणी सप्तमा आदि के साथ विवाह नहीं,
तो उद्धव यहाँ पर जो प्रश्न कह रहे हैं, उठा रहे हैं ये शब्द को, महिषियों से भी ये भाव दुर्लभ संभव नहीं है, जो ब्रजगोपी के हृदय में जो प्रेम दिखा रहे हैं, दिव्य उन्माद दशा आदि राधा आदि गोपियों के प्रेम दर्शन करके उद्धव आश्चर्य हो गए, इसलिए तो उद्धव कह रहे हैं। और उद्धव से मुख से ये शब्द निकल करके आ रहे हैं, महिषांग अपि सुदुर्लभम, महिषी शब्द क्यों कहा गया उद्धव? महिषियों की कृष्ण के जो नित्य विवाहिता पत्नियां जो है, इनके हृदय में ये प्रेम संभव नहीं है। हम इंटेंस इस शब्द के द्वारा दे रहे हैं, उद्धव क्यों ये शब्द कहा, ये महिषियों के शब्द लेकर के, महिषियों के हृदय में ये प्रेम नहीं है। भ्रमर गीत में लिखा गया ना, मेरा भ्रमर गीत में बोल उसमें लिखा गया है, पढ़ा आपने? मैं भूल ही गया। तो उससे कहा जाता है, उद्धव जब राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य का दर्शन किया, दर्शन करके उनके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, क्या शब्द? अहो शब्द कहा जाता है। मेरे कहने के तब जो अहो शब्द जो निकल करके आ रहे हैं, आश्चर्य होकर के, विस्मय आश्चर्य, तब ये अहो शब्द निकलता है। जैसे कोई वस्तु मैंने नहीं देखा, अकस्मात देख करके आश्चर्य हो जाता है ऐसे। और फिर उन्होंने कहा गया क्या, महिषा महिषानां अपि सुदुर्लभम, द्वारका में महिषियों के लिए संभव नहीं ये समस्त प्रेम। महिषियों के प्रेम कहाँ तो हो सकता है, रूढ़ भाव की अंतिम कहा जाता है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव तो कहाँ कहाँ दिखाया गया, कहीं कहीं अधिरूढ़ महाभाव तक दिखाया गया, अधिक रूप में रूढ़ भाव तक दिखाया गया है। और राधा आदि गोपियों में क्या पर रूढ़ उधरूढ़ मोहन मादनाक को महाभाव तक दर्शन कराए, तो इसलिए तो उद्धव कह रहे हैं। कृष्ण के साथ नित्य रहने वाली वो समस्त महिषियों के लिए संभव नहीं वो स्वभाव, किंतु गोपियों के हृदय में ऐसे महाभाव उत्पन्न हो न भूत न भविष्य, जिसके वर्णन करना कहीं संभव नहीं, शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। इसलिए उद्धव यही समस्त शब्द बोलते जा रहे हैं। तो मेरे प्रश्न जो मैंने उठाया, ये उद्धव महिषियों की शब्द व महिषियों के नाम लेकर के क्यों आश्चर्य हो रहे हैं? तो इसके लिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, दो कारण देते हैं। एक है कृष्ण की लीला नित्य है, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं वो लीला चल रही है, अद्यावधि सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवान देखी वाले पाए। कृष्ण लीला और गौर लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है, ये चलती है। और लीला नित्य होने के नाते उद्धव जो कहा ये सत्य भी है। और दूसरी है साक्षात जोग माया, मानो उद्धव के मुखारविंद में प्रकटित होकर के वो शब्द भी बता दी। हाँ
उद्धव जो शब्द जो बोल रहे हैं महिषानन उपी सुदुर्लभम, महिषे शब्द जो व्यवहार किया ये उद्धव के निज वाक्य नहीं था, ये शब्द नहीं था, वो किसका था? कहते हैं जोगमाया बा लीला शक्ति कहा जाता है, वही लीला शक्ति जो है साक्षात उद्धव की मुख में अविष्ट होकर के वो शब्द को बता दिया। अथवा कहते हैं वो लीला तो कहीं नहीं की चल रही है, अनंत ब्रह्मांड है, कहीं नहीं किसी ब्रह्मांड में वो लीला चल रही है। इसलिए कहते हैं उद्धव के बारे में हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, ये स्वयं भगवान उद्धव से कैसे सलाह लेते थे मुझे क्या करना चाहिए, और उद्धव भी भगवान के सलाह दिया, ये प्रभु पहले जरासंध के वध करके फिर राजाओं की बंदी शाला से मुक्त करा करके फिर उन लोगों के साथ आप यज्ञशाला में पधारे, इससे आपके जय ख्याति प्रकाशित होगा है? और वो राजा लोग भी आपके लिए आभारी रहे। मेरे कहने की यह तात्पर्य है चैतन्य महाप्रभु यह समस्त कथा जो है स्वरूप दामोदर राय रमंद से श्रवण करते थे, और विशेष करके राधा जी को दिव्य उन्माद दशा भाव माधुर्य की श्रवण करके महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। महाप्रभु की इतने दिव्य उन्माद दशा हो जाती, जिस प्रकार प्रज्वलित आग में जैसे आग जल रही है ना उसमें यदि घी दिया जाए तो क्या होगा? घी आग और भी बढ़ जाए। ठीक उसी प्रकार स्वरूप दामोदर राय रमानंद महाप्रभु के निकट ये समस्त दिव्य उन्माद दशा आदि कथा की जो वर्णन करते थे और उस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु की भाव माधुर्य और भी बढ़ जाता है। कहाँ महाप्रभु की सांत्वना देने के लिए सर्वदामोदर राय रमानंद रहते थे, किंतु सर्वदामोदर राय रमानंद की इस समस्त कथा सुन करके महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति रो रहे हैं उसके क्या क्या देना चाहिए? सांत्वना वाक्य देना चाहिए है? जिससे उसके दुख व कष्ट लाघव उसको कम हो। किंतु स्वरूप दामोदर राय रमानंद ऐसे से विरह की कथा सुनाते थे जिस कथा को सुनकर के महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाते थे। ये दिखा उस समय महाप्रभु के सेवक गोविंद गोविंद कहते हैं ये स्वरूप दामोदर राय रमानंद क्यों आते हैं? ये लोग आकर के केवल आग में घी डालते हैं। आग में घी डालते किंतु उस विरह में कितने आनंद है, जिसके हृदय में विरह हो वो अनुभव कर सकता है। जड़ जगत की विरह नहीं, अप्राकृत चित जगत की विरह, उस विरह में मिलन की ऐसे सौंदर्य माधुर्यता प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहा जाते हैं ऊपर से तो रोते हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। तब तो इच्छु चरमन जैसे छड़ान न जाए, चैतन्य चैतामृत में कहा है तब तो इच्छु चरमन जैसे छड़ान न जाए। तात्पर्य क्या है समझ में आया? तब तो इच्छु, इच्छु माने गन्ना, इच्छु माने गन्ना,
गन्ने के यदि आग में तपाया जाए है? उसके अंदर में रस क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और फिर उसके कोई चिबाए है? यहाँ में इतने सुंदर स्वादिष्ट है आता है, वो छोड़ना संभव नहीं है। साथ ही साथ जीभ भी जल रहे हैं और मिठास भी आ रहा है, इसलिए तब तो इच्छु चर्बन जो इच्छे छाड़ाना ना जाए। इसकी उदाहरण दे रहे जी, विरह दशा में बा विरह आदि कथा सुनकर के हृदय में जो एक अभूतपूर्व आनंद होता है, उसे कई शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु गोविंद महाप्रभु की सेवा गोविंद इसके समझ नहीं पाते। गोविंद कहते हैं इस सर्व दामोदर आयरवंद क्यों आते हैं, महाप्रभु के ऐसे ऐसे विरह आदि कथा सुनाते हैं जिससे महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता है। विरह कथा सुनकर के विरह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मिलन की कथा सुनकर के आनंद रस, मिलन आनंद रस उत्पन्न होता है। जिस कथा सुनोगे उस कथा के अनुसार आपके हृदय में वो समस्त भाव उत्पन्न होता है, है? इसलिए तो गोविंद कह रहे हैं महाप्रभु के सेवक ये सर्व दौदर आय मंदिर क्यों आते हैं और महाप्रभु के क्यों ऐसे ऐसे कथा सुनाते हैं। किंतु शास्त्र कहते हैं वो समझता सर्व दामोदर आय मंदिर की विरह भाव माधुर्य की कथा आदि सुनने में महाप्रभु के इतने अंतर हृदय में आनंद होता था, है? ये कहते हैं जत देखो वैष्णवीर व्यवहार दुख कहाते जानियो तुम्हें परम आनंद। वैष्णव के व्यवहारिक में जो दिखाई पड़ता है दुख दिखाई पड़ता है, किंतु अंतर हृदय में परम आनंद होता है। प्रेम की दशा में क्या क्या स्थिति होती है पुस्तक वर्णन करना कैसे संभव? इसलिए चैतन्य चरित इक्कुदंड सम चरवन करि दे हय रस आस्वादन। चैतन्य चैतन्य में तो अंतर्लीला चतुर्थ परिच्छेद में वर्णन हो चैतन्य चरित्र यही इक्खुदंड सम चरवन करिते हय रस आस्वादन। एक है ना गन्ना, गन्ना गन्ना के रस हम कैसे आस्वादन करते हैं? चिबाओ तो रस आएगा, है? हर वस्तु के रस आस्वादन अलग अलग रूप से होता है, आम के रस आस्वादन दूसरी प्रकार होता है। आम रस खाएगा, आम के रस कैसे बनाते हैं? आम रस पके हुए आम जो है उसके क्या करना पड़ता है? है उसके हाथ से थोड़ा सख्त कर दिया जाए, है ऐसा है, और फिर थोड़ा सा दांत से काट दो, थोड़ा छेद कर दो, और गुठली से जितने भी गुदगुदा है तब आ जाए, है? हम लोग जब छोटे छोटे थे ना आम को तो ऐसे करते पके हुए आम के थोड़ा उंगली से ऐसे ऐसे करके सख्त कर दो और फिर उसके छेद करके ऐसे करते बिल्कुल गुठली के चारों तरफ कुछ नहीं रहे सब आ गए। और गन्ने के रस कैसे आस्वादन करना है? सारे गन्ने के जो छिलका हटा करके उसके चिबाने से आनंद होता है और रस आता है, है? लोग तो गन्ने के रस क्या होते हैं आजकल वो मशीन में रस निकल को रस पी लेते हैं, उसमें आनंद नहीं होता है, है? गन्ने के चिबाने से दांत से चिबाओ जो आनंद होता है उसमें एक तो दांत के भी एक्सरसाइज होता है, है? और दूसरी आस्वादन भी होता है। हम लोग धीरे धीरे अलस अलस क्या बोलते हैं, बोले कष्ट इतने कष्ट कौन करे, चिबाए कौन,
हैं, चिबाने में चिबाने जाए तो दांत कहीं टूट ना जाए, दांत में कहीं नहीं कुछ लग जाए, अनेकों प्रकार भय शंका रहता है। इसलिए गन्ने के रस ले लिया, पी लिया बस, वो भी एक मिनट में कि दो मिनट में पी लिया ना। किंतु देखो गन्ना, गन्ने चिबाने से जो आनंद होता है उससे रस निकल भी आनंद वो क्या बनना है। और फिर वो गन्ने के यदि आग से थोड़ी तपाया जाए है और उसके चिबाए, देखो कैसे आनंद है। इसलिए चैतन्य इन्हें पर कार्य कृष्णदास कर, चैतन्य चरित्र ही इक्खु दंड सम चर्मन करते हुए रस आस्वादन है। इसलिए महाप्रभु के दिव्य अलौकिक लीला आदि श्रवण कीर्तन ही यही चर्मन कहा जाता है। चर्मन समझते हो, इसके रस आस्वादन की उपाय कहा जाता है। ये किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके अंतिम 12 साल सर्वदम रायरवंद के साथ ये समस्त दिव्य उन्माद दशा कथा आदि श्रवण कीर्तन करते थे। चंडीदास, विद्यापति आदि महान कवियों की भाव माधुर्य जी भी आस्वादन करते थे। विद्यापति चंडीदास, इनकी जो सुंदर सुंदर जो पदावली है, पदावली समय थे वो समझता हूँ, स्वयं महाप्रभु कीर्तन करते थे। अथवा कभी स्वरूप दामोदर रायरवंद ये लोग भी कीर्तन करते थे। ये राधा आदि सखियों की भाव माधुर्य क्या है। बहुत सुंदर एक ही प्यार इसमें लिख रहे हैं, चैतन्य चरित्र इक्खु दंड सम। चर्वण करते हैं रस आस्वादन, इसलिए पुनः पुनः शास्त्र आदि श्रवण आदि कीर्तन के द्वारा हम आस्वादन करते हैं। गौर महाप्रभु की अपराजित दिव्य लीला कथा श्रवण करते हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अंतिम जो 12 साल गंभीरा में रह करके जो समस्त लीला आदि प्रकट करते थे, दिव्य उन्माद दशा की अलौकिक है सर। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से बाहर आकर के और जगन्नाथ जी के जो क्या बोले महाप्रसाद जहाँ पर रख देते थे हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जो गाय आदि भी नहीं खाते हैं, वहीं पर आए, वहीं पर महाप्रभु आकर के बिल्कुल लोटपोट खाते, कुर्माकृति हो जाते थे। कुर्माकृति समझते, कुछ के भांति हो जाते हैं। महाप्रभु के ऐसे दशा होते थे, सारे शरीर आदि, शरीर के अंग आदि जो मन अंदर में समेट समेट जाते थे, ऐसे हो जाते। कभी चैतन्य महाप्रभु के शरीर बहुत दीर्घकार हो जाते थे, लंबे हो जाते, ये जॉइंट्स आदि जो है खिल जाते। कभी चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तट पर आकर के समुद्र के नील जल को देख करके जुबना समझ करके कूद पड़ते हैं, और समुद्र के लहरिया में चैतन्य महाप्रभु कोणारक की तरफ चले जाते थे। सूर्य मंदिर कोणारक गया है, मैं पता है क्या
वह चले, कभी चक्र तीर्थ के पास जाए। तो ये समस्त जो दिव्य अलौकिक महापुरुष की लीला, चैतन्य चरित दिव्य अलौकिक काल, ब्रज प्रेम लीला रससार दिखाई रहा। गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया ब्रज प्रेम के बारे में। षट संदर्भ में कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाश गोस्वामियों के ग्रंथों में ये समस्त वर्णन किया। पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो निताई गौर हरि सजनंदन गौर हरि की। स्कूल खुल रहे हैं ना? मेरे समझ में नहीं आते। ठाकुर जी को दिया जलाना है? आप कर स्कूल खुल गए हैं ना, तब जाना है मुझे। मेरे समझ में नहीं, स्कूल खुल गया दिया जलाना है, मतलब मुझे जाना है घर। ठाकुर जी का आरती करना है? नहीं नहीं तो बताओ क्या बोलना चाहते हैं। क्या भाग मंगला में लेट आए थे तो आप यहाँ वो मंगला जी में नहीं आई तो रह गया उसका। अच्छा ये तो बता बात समझा दी।